हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्यूटर जनरल नॉलेज एक्सप्रेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आज हम ऐसे जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ पर लोगों का मानना है कि शाम ढलने के बाद वहाँ से कोई लौटता नहीं है। जी हाँ, ये बात सच है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी भूतों को देखा है? क्या आपने कभी भूतों से मुलाकात की है? क्या आपको कोई ऐसी जगह मालूम है जहाँ रोज आते हैं भूत? भूतों से जुड़ी कई कहानियाँ आपने पढ़ी या सुनी होंगी, कई फिल्मों में आपने भूतों को देखा भी होगा, मगर हम जो आज आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के लिए आप लोग अपना दिल पक्का कर लीजिए। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ सुनाई देती हैं कुछ आवाज़ें, चीखने की, चिल्लाने की, रात के अंधेरे में कोई मदद की गुहार लगाता है तो कोई फूट फूट कर रोता है, लेकिन दिखता कोई भी नहीं। कभी कभी जहाँ शाम ढलने के बाद खनकती चूड़ियों की और बसते घुंघरों की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ दूर दूर तक कोई जिंदगी का नामो निशान तक नहीं है। सुनने में अगर आप लोगों को अजीब लग रहा है तो लगना भी चाहिए, मगर लोग कहते हैं कि गुजरात का वो समुंदर का किनारा है, वो बीच है और उस बीच पर जश्न मनाती हैं कुछ अदृश्य शक्तियाँ। जी हाँ, ऐसी शक्तियाँ जो इंसानों से अलग हैं। शाम ढलने के बाद उस बीच पर इंसानों का आना जाना वर्जित हो जाता है। चमकती रात में चमकती हैं उन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी, और बसंती शाम में समंदर के खारे जल में उभरती चली जाती हैं कुछ परछाइयाँ। कुछ लोग कहते हैं वो भटकती आत्माएं हैं, वो सायों का समूह हैं जिन्हें इंसानों ने आँखों से देखा है और उनका दिल का धड़कना बंद हो गया है। जी हाँ, यही कहानियाँ हैं गुजरात के डूम्स बीच को लेकर। इसे दम्स बीच भी कहते हैं। यूँ तो इस बीच पर दिन भर प्रेमी जोड़े और पर्यटकों का रेला सा लगा रहता है, मगर जैसे जैसे सूरज क्षितिज पार कर जाता है और शाम गहराती है, वैसे वैसे यहाँ इंसान गायब होने लगते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि शाम ढलने के बाद यहाँ रूहों का बसेरा हो जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ शाम ढलने के बाद भूत आते हैं। कहा जाता है इस बीच पर सदियों से भूतों ने अपना कब्जा जमा लिया था। भूतों के कब्जे की बदौलत ही यहाँ समंदर की रेत सफ़ेद नहीं बल्कि काली हो गई है, वरना ज़्यादातर समंदर की रेत सफ़ेद होती है। लोग अपनी बात को बल देने के लिए बीच से ही सटा एक शब्द ग्रह भी दिखाते हैं। लोगों की माने तो अकाल मृत्यु के कारण मरे हुए वो लोग जिनका दाह संस्कार यहाँ होता है, वो इसी बीच वाले भूतों की गैंगों में शामिल हो जाते हैं। लोगों की माने तो इस बीच पर शाम ढलने के बाद जो भी कोई गया वो कभी जिंदा नहीं लौटा। सूरत से 20 किलोमीटर दूर दम्स या डूमस नामक इस बीच को लवर्स का फेवरेट बीच कहा जाता है। दिन भर यहाँ कपल्स के साथ साथ पर्यटक आते रहते हैं, मगर यहाँ स्थानीय लोग भूतों की कहानी को इतना दावे के साथ बताते हैं कि ना चाहते हुए भी अनजाना सा खौफ दिल में पेबस्त हो जाता है। भूतों की इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो बताना मुश्किल है, मगर ये सच है कि रात के अंधेरे में कभी कभी समंदर के किनारे कुत्ते रोते हैं, जिसे लोगों ने भूत प्रेत से जोड़ दिया है। यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने अपनी आंखों से कई बार उस बीच पर भटकती आत्माओं को अपनी आंखों से देखा है, उनका अनुभव किया है। ये एक बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। अगर आप लोग भी भूतों की कहानियों से या भूतों से रूबरू हुए हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।